नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं इसमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप 10वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है तो वैसे तो हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मगर मैं जिस जॉब के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सिक्योरिटी गार्डिंग जॉब। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के बारे में बताया गया है। ये वीडियो उससे अलग हटके है। चूंकि मैं खुद सिक्योरिटी इंडस्ट्री में 12-14 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं इस चीजों को समझता हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आज मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिक्योरिटी गार्ड में आपको क्या काम करना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे मिलती है, हमारे देश में कौन से टॉप 10 सिक्योरिटी कंपनीज हैं, किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब का अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी और एक नॉर्मल सिक्योरिटी कंपनी में क्या डिफरेंस है, एक सिक्योरिटी कंपनी में आप काम करते हुए कैसे आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहे, पूरे अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सिक्योरिटी क्या होती है और जानेंगे सिक्योरिटी के जॉब में एक व्यक्ति को किस तरह के काम या ड्यूटी करनी पड़ती है। दोस्तों, जैसे नाम से ही जाहिर है, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है सुरक्षा देना, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी सामान या प्रॉपर्टी के लिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी हो या कोई डेटा की सिक्योरिटी हो। सुरक्षा देने का प्रकार और कार्यप्रणाली अलग अलग हो सकता है, मगर इसका जो बेस है वो यही है कि चीजों को सुरक्षित रखना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा देने का काम तो पुलिस भी करती है। जी, हमारे और पुलिस के काम में बेसिक तौर पर कई सामान्यताएं हैं, मगर चूंकि पुलिस सरकार के अधीन होती है और कानून व्यवस्था का काम करती है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र बड़ा होता है। इसके अलावा उनके पास कुछ एडिशनल पावर होते हैं जो सिक्योरिटी के पास नहीं होते हैं। और वहीं प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो ड्यूटी कर रहा है उसके ऑर्डर फॉलो करने और वहां पर सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का काम बस चौकीदारी करना है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जॉब को उतना सम्मान नहीं मिलता है या उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। हमारे देश में लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को सबसे लास्ट ऑप्शन मानते हैं। जब उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है तब वो सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए सोचते हैं। मगर दोस्तों, सिक्योरिटी का कार्य क्षेत्र भी देश में बाकी प्राइवेट नौकरियों के जैसा ही है। इस कार्य क्षेत्र में भी आप काम करते हुए अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को डेवलप कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी की नौकरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप न्यूनतम पढ़ाई और न्यूनतम एक्सपीरियंस से भी आप सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आज के समय में सिक्योरिटी गार्ड का काम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करते हैं जिनके वजह से उनके पास बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड जरूरत पड़ने पर फायर फाइटर बन जाता है, उसके पास फर्स्ट एड का जानकारी भी होती है और जरूरत पड़ने पर वो CPR भी दे सकता है। वो रिसेप्शन का काम करता है, ID कार्ड प्रिंट करता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर को संभालता है। एक सिक्योरिटी गार्ड कंप्यूटर पे भी काम करता है और आज का एक सिक्योरिटी गार्ड आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम को भी मैनेज करता है, जैसे CCTV सिस्टम, अलार्म सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब काम आज का एक आधुनिक सिक्योरिटी गार्ड करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के समय में लगभग 80 लाख लोग सिक्योरिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जिनमें सिक्योरिटी गार्ड का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। देश में करीबन 22,000 छोटी बड़ी सिक्योरिटी कंपनियां हैं और रोजगार सृजन करने में सिक्योरिटी कंपनी टॉप 10 इंडस्ट्रीज में आती है। अगर आप भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको हम फिक्की भी बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट का लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा 26/11 का मुंबई हमला, जिसमें आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला कर दिया था। क्या आप जानते हैं, आतंकवादियों का मुकाबला सबसे पहले ताज होटल में वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही की थी। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आपको मिल जाएंगे जिसमें सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए समाज और देश की सेवा की है। आज एक सिक्योरिटी के कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ साधारण सिक्योरिटी गार्ड भी देश के आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में आपको क्या काम करना पड़ता है? दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी वो जहां काम करता है और उसका जो ड्यूटी पोस्ट है उसके हिसाब से तय की जाती है। ऐसे में मैं कुछ कॉमन सिक्योरिटी ड्यूटी पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो लगभग हर सिक्योरिटी के कार्यक्षेत्र में की जाती है। पहला है गेट की ड्यूटी। दोस्तों, गेट या एंट्रेंस की ड्यूटी कंपनी के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, मगर इसमें जो मुख्य काम होते हैं वो होता है ID कार्ड चेक करना।
इसके अलावा कुछ कंपनियों में बैग चेकिंग भी की जाती है और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जाती है, विजिटर मैनेजमेंट भी होता है। दोस्तों, अगर आप मेन गेट या एंट्रेंस गेट की ड्यूटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मेन गेट और एंट्रेंस गेट की ड्यूटी के बारे में बताया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में जो दूसरा कॉमन काम होता है जो लगभग हर कंपनियों में होता है वो है पेट्रोलिंग ड्यूटी। इसमें गार्डों को कंपनी के अंदर या बाहर राउंड मारना या घूमना पड़ता है। पेट्रोलिंग राउंड आपको किस तरीका से करनी है और राउंड करते समय आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है, इसका ट्रेनिंग और दिशा निर्देश आपको कंपनी में जहां आप काम करते हैं वहां दी जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में मटेरियल मैनेजमेंट की ड्यूटी, रिसेप्शन की ड्यूटी, सीसीटीवी ऑपरेटर की ड्यूटी, आईडी कार्ड प्रिंटिंग की ड्यूटी, पार्किंग की ड्यूटी, क्राउड मैनेजमेंट की ड्यूटी, इसके अलावा भी आपके कार्य क्षेत्र में जहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है वो कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से या गार्ड को क्या काम करना है वो निर्धारण करती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं, तो इसकी बिल्कुल चिंता आप ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग बार बार दी जाती है। इसके अलावा भी जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपके ड्यूटी में क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पूरी डिटेल्स राइटिंग में पोस्ट एंड साइट इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से दी जाती है। अगर आप में सीखने की इच्छा है और आप मन लगा के काम करेंगे तो ये बिल्कुल ही आसान काम है। वर्तमान समय में सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी काफी सारे अवसर हैं। एक महिला जो 10वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है वो भी सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में अलग अलग ड्यूटी पोस्ट पे ड्यूटी कर सकती है। सिक्योरिटी का काम मुख्यतः शिफ्ट के हिसाब से होता है। अगर आपका साइट पे 8 घंटे की ड्यूटी है तो इसमें 3 शिफ्ट होती है। अगर आपकी साइट पे 12 घंटे की ड्यूटी है तो इसमें 2 शिफ्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों में जनरल शिफ्ट की ड्यूटी भी होती है जो सुबह 9 बजे से 6 बजे या 9 बजे से 5 बजे तक की होती है। क्योंकि किसी भी कंपनी में सुरक्षा गार्डों को 24 घंटे के लिए डिप्लॉय किया जाता है, ऐसे में आपको नाइट शिफ्ट की ड्यूटी भी इसमें करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर किसी कारणवश अगर आप शिफ्ट से ज्यादा घंटे की नौकरी करते हैं तो ऐसे में आपको ओवरटाइम भी मिलती है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड या अच्छे सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं तो आपका वेतन राज्य सरकार द्वारा तय किए गए सैलरी के हिसाब से ही आपको मिलती है और आपका समय समय पर सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि अगर आप एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं आपके सैलरी के अलावा। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं जिसका काम करने का समय निर्धारित हो और फ्लेक्सिबल हो, जिससे आप अपनी आगे की पढ़ाई या कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी का कार्य क्षेत्र एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अब हम जानेंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कैसे मिलती है या आप कैसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दो सबसे बेहतर तरीके हैं जिसके माध्यम से आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में या सिक्योरिटी गार्ड के जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है रेफरल ज्वाइनिंग। रेफरल ज्वाइनिंग का मतलब है अगर आपके किसी परिचित ने आपको किसी सिक्योरिटी कंपनी के लिए रेफर किया है या आपको बताया है कि वो सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और आपको उसमें ज्वाइन करने के लिए कहता है। दोस्तों, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपके परिचित को ये पता है कि उसकी कंपनी कैसे काम करती है, उसका पे आउट कैसा है, उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी और जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ की सुविधाएं कैसी है। इसके अलावा उसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लोगों के बारे में पता है कि अगर कोई काम है तो किन से मुलाकात करनी है, किन से काम करना है, तो रेफरल का माध्यम सबसे अच्छा होता है। क्योंकि सिक्योरिटी की नौकरी करने के लिए आपको आमतौर पर अपने शहर या गांव से दूर किसी दूसरे शहर या गांव में जाना पड़ता है। ऐसे में जिस परिचित ने आपको रेफर किया है वो आपके रहने ठहरने के लिए इंतजाम भी कर देगा, जिससे आपकी तकलीफें कम होगी। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है खुद से जानकारी इकट्ठा कर किसी सिक्योरिटी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करना। सिक्योरिटी कंपनियां अपने जरूरत के हिसाब से समय समय पर वैकेंसी निकालती है। वो सामान्यतः न्यूज़पेपर या इंटरनेट के माध्यम से अपना वैकेंसी निकालती है। ऐसे वैकेंसी में आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या उनके दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। मगर दोस्तों, ऐसी नौकरियों में अप्लाई करने से पहले आपकी सूझबूझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंटरनेट पर दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है और कंपनियां जो बताती हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। तो ऐसे नौकरियों को अप्लाई करने के पहले आप अच्छे से जांच परख लें कि कंपनी सही है या जो बोल रही है वही करेगी। जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये सही है, तभी आप ऐसे चीजों में अप्लाई करें। मेरा ये सुझाव है, अगर कोई कंपनी ऑनलाइन ज्वाइनिंग के समय पैसे की डिमांड करती है तो आप थोड़ा सा संभल के इस पे काम करें। बेहतर यही होगा कि अगर जिस कंपनी ने आपको जॉब ऑफर किया है उसकी ऑफिस का आप दौरा करें, वहां जाएं और वहां जाके चीजों को समझें, उसके बाद आप अप्लाई करें। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा किसी भी सिक्योरिटी कंपनी को कैसे आप जांच कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा भी सिक्योरिटी कंपनियां आपके गांव शहरों में कैंप लगाती है, जिसके माध्यम से वो नए लोगों को रिक्रूट करती है। आपके गांव या शहर में इस तरह का कोई कैंप लगा है उसके माध्यम से भी आप सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ज्वाइनिंग के समय रिफंडेबल ज्वाइनिंग फीस भी लेती है। अगर आपने कंपनी की सत्यता की जांच कर ली है और आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपने जमा राशि के लिए उचित रसीद ले लिया है।
दोस्तों, किसी भी अच्छी सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वो है 10th। इसके अलावा आपकी फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से 35 साल होता है। इसमें भी कहीं कहीं अपर लिमिट थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा अगर भर्ती के बाद आपका डिपुटेशन कोई बड़ी कंपनी या बड़ी ऑफिसेस में होती है तो उस कंपनी के प्रोसेस के हिसाब से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है। सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती के बाद आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 7 दिनों से लेकर 21 दिनों के बीच का हो सकता है। यह अपने अपने कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः सिक्योरिटी गार्ड के भर्ती के समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, आपका लोकल रेजिडेंस प्रूफ, आपका 10वीं पास का सर्टिफिकेट। इसके अलावा जहां रहते हैं वहां का पुलिस वेरिफिकेशन या ग्राम पंचायत या ब्लॉक द्वारा जारी की हुई कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। दोस्तों, मेरा सुझाव यही है कि आप जब भी किसी सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप इस बात की जांच कर लें कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है वो भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त है कि नहीं। सिक्योरिटी के कार्यक्षेत्र में जुड़ी हुई हर सिक्योरिटी एजेंसी या कंपनी को भारत सरकार से एक लाइसेंस लेना होता है, जिस लाइसेंस को हम पसारा लाइसेंस बोलते हैं। पसारा का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। इस लाइसेंस के बिना सिक्योरिटी एजेंसी वैध रूप से अपना काम नहीं कर सकती है। आप बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया है उसके पास पसारा का लाइसेंस है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाके पसारा टाइप करें। गूगल में सर्च करते ही आपको pasara.gov.in की वेबसाइट दिखेगी। इसको क्लिक करते ही भारत सरकार का पसारा का वेबसाइट खुल जाएगा। इसके बाद आपको जो नो योर एजेंसी बोल के दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा स्टेट वाइज पसारा लाइसेंस स्टेटस। इसमें से आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं नौकरी वो स्टेट को आप चॉइस कर ले। दोस्तों, जैसा मैंने अभी सर्च बॉक्स पर दिल्ली टाइप किया तो दिल्ली के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसका डाटा इसमें खुल गया है। दोस्तों, जैसा कि मेरा स्क्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक्टिव, एक्सपायर्ड और ऑल। इसमें से आपको एक्टिव चॉइस कर लेना है। अब जैसे ही हम सर्च बॉक्स में कंपनी का नाम टाइप करेंगे उसका डिटेल्स हमको दिख जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप किसी कंपनी का नाम डाल रहे हैं वो सही तरीका से डालें ताकि आपको सही रिजल्ट मिलेगा। यहां से आप उस कंपनी का लाइसेंस का स्टेटस देख सकते हैं कि वो एक्टिव में है या नहीं है। अगर आपके अप्लाई किए हुए कंपनी का डिटेल इसमें नहीं है तो मेरा सुझाव यही है कि आप उस कंपनी में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि एक अच्छी और लाइसेंस प्राप्त कंपनी में काम करने के बहुत सारे फायदे हैं जो बिना लाइसेंस प्राप्त कंपनियों में नहीं हो सकता है। जैसा समय पे सैलरी देना, बोनस देना, ESI की सुविधा, PF की सुविधा, इसके अलावा सैलरी स्लिप भी मिलती है। इसके अलावा अच्छी कंपनियों का सैलरी स्लिप का बैंक में भी बहुत वैल्यू रहता है, जिसके मदद से आप भविष्य में अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग लोन या कोई गाड़ी का लोन या कोई छोटा मोटा लोन, आप उसमें ले सकते हैं। मगर नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों में इस तरह की सुविधाएं नहीं रहती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको अच्छे वेतन का ऑफर देती है और वेतन देती भी है, मगर इनका कोई भविष्य नहीं रहता है। एक अच्छे और रिपोर्टेड सिक्योरिटी कंपनी में काम करने से आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, आपका ज्ञान और नॉलेज बढ़ता है जिससे आप अपने करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जैसे SIS है, G4S है, पैराग्रीन है, सिक्यूटास है, फायरबॉल सिक्योरिटी है, आर्मर सिक्योरिटी है, प्रीमियर सेल सिक्योरिटी है, टॉप सिक्योरिटी है, वेल्सन सर्विसेज है। ऐसे और सारे कंपनियां हैं जिनकी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में बहुत नाम है। दोस्तों, आप जिस भी सिक्योरिटी में काम करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं तो उसको करने से पहले आप थोड़ी सी जांच परख कर ले ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानियां ना आए और आपको एक स्टेबल करियर ग्रोथ मिले। दोस्तों, मैं एक मिशन में हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका मैं स्किल डेवलप कर सकूं, उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी और ट्रेनिंग दे सकूं ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में जाके बहुत अच्छा काम करे और अपने परिवार को ग्रोथ कर सके। तो मेरे इस कारवां में आपके साथ का जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको आंसर दे पाऊं।